Hello students, how are you? In our previous class we completed our chapter number first, that is general information which was related about the chemistry. The first chapter which was, I think it is clear in your mind, easy chapter tha, clear ho gaya hoga. Ab apan second chapter ki apan baat karte hain, that is structure of atom. Atom ki structure, पहले तो जनरल कुछ बातें हैं जो आप लोग सब जानते भी हैं, तो फटाफट उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे. जो सबसे पहला पॉइंट आता है चैप्टर का, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ओके, सबसे पहले अपन बात करें तो जो स्टार्टिंग से हम डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में अपन जानते थे. जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, महर्षि कणाद है, महर्षि पकुदा कटेन जो हैं, या ग्रीक फिलोसफर्स सिमिलर टाइम पर जो ग्रीक फिलोसफर जो हुए थे, जैसे कि ल्यूसिपस, डेसिक्रेटस, डेमोक्रेटस, इन्होंने काफ़ी जो रिसर्च वगैरह है उसके थ्रू इन्होंने बता दिया था कि जो मैटर है वो डिविजिबल होता है, और डिविजिबल होने से एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर मिलती है जिसको अपन बोलते हैं एटम. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस इट इज़ नोन एज एटम. एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटोमियो किससे मिलकर बना है, एटोमियो से मिलकर बना हुआ है, जिसका मीन्स होता है अनडिविजिबल, नॉट नॉन डिविजिबल, यानी कि जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता. नॉन डिविजिबल जो होता है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है एटोमियो. और अपन जानते हैं जो स्टार्टिंग डेफिनेशन एटम की, क्या एटम को क्या माना गया था, दैट इज नॉन डिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मैटर, यही माना गया था स्टार्टिंग में. इसीलिए इसको क्या नाम दिया था, दैट इज एटम. एटम के ऊपर जो सबसे पहला जो साइंटिफिक जो वर्कआउट आता है वो आता है डाल्टन का. जो डाल्टन है, उन डाल्टन ने अपनी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दी थी, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने एटम का सबसे पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था, या अपन बोल सकते हैं द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय डाल्टन इन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, इट इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं उनके ऊपर बेस्ड थी. गॉट इट. डाल्टन की जो थ्योरी जो थी वो तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन डाल्टन की थ्योरी की कुछ लिमिटेशन जो थी, जैसे कि डाल्टन की थ्योरी के अंदर एटम जो है उसे नॉन डिविजिबल बताया गया था, जबकि आज अपन जानते हैं मैटर, कोई भी जो एटम है वो डिविजिबल होता है इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में. अब ये अपने माइंड में आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये पता चलता है जो मैटर है उस मैटर की जो चार्ज जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सपेरिमेंट जो थी, जैसे ग्लास को रब किया जाता है, या अपन भी बहुत बार करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, स्केल को बालों पे रब किया और पेपर को टच किया तो पेपर ऊपर चिपक जाता है, तो वो जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया कि जो पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल होता है, कि चार्ज तो प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली कहीं चार्ज तो होगा ही ना उसमें. तो फिर इसके बाद जो बाद में जो 19th और जो 20th सेंचुरी में जो रिसर्च हुए थे, उन्होंने डाल्टन के जो पूरी थ्योरी है उसको डिस्कार्ड करते हुए ये बताया था कि जो एटम है वो डिविजिबल होता है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के नाम से अपन जानते हैं. मेन तो ये तीन हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी पार्टिकल्स आते हैं,
अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, ये तो थी इसका बेसिक्स जो अपन क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा कम टाइम दिया है। आई थिंक सबको पता होगा ये चीज़ें तो। ओके, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट किया और किन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो मेन जो क्रेडिट है, हालांकि बहुत से साइंटिस्ट हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जो मेन क्रेडिट जो जाता है इट इज वेंट टू द फैराडे। 1850s के अंदर, 50s इनके टर्म्स 50 से 60 के बीच में, फैराडे जो थी, इन फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इनका जो एक्सपेरिमेंट था माइकल फैराडे का, उसने इलेक्ट्रॉन का बेस तैयार किया। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को उन्होंने किया था, या अपन बोल सकते हैं इन 1850s माइकल फैराडे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट विच क्रिएट या विच डिस्कवर विच गिव ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया था। माइकल फैराडे के बारे में आप 12th में काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ, चार्ज के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिसर्च किया हुआ है, अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में, और फिजिक्स में मेरे को पता नहीं कहाँ पर रहेगा, लेकिन आते हैं। फैराडे ने जो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, नाम जो था दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, या जिसे कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बेसिस तैयार किया था। गॉट इट? तो जो कैथोड रे, पूरा नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, और कैथोड रे को ही बाद में नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, अच्छा, अब ये है क्या इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, जो है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसके दोनों जो एंड्स हैं उनमें दो मेटल प्लेट्स लगी होती हैं, और ये मेटल प्लेट्स आउटर साइड में जो हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट का जो भी सोर्स है उसके साथ ये अटैच्ड होती हैं। ये यहाँ पर होती है सील्ड, ग्लास की ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पर ये सील्ड होती हैं, और यहाँ पर इसके साथ अटैच्ड होता है वैक्यूम पंप, ताकि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट की जा सके। ये है दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या? वन मिनट, नाउ आई थिंक सही होगा। ओके, दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो दोनों मेटल पीसेज हैं ये एनोड की तरह, सॉरी, ये इलेक्ट्रोड्स की तरह वर्क करते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेना। इलेक्ट्रोड्स, देर आर टू इलेक्ट्रोड्स, एक कहलाता है कैथोड और एक कहलाता है एनोड। किसे बोलते हैं कैथोड, किसे बोलते हैं एनोड? इसको आप रट्टा मारते हो, रटने की जरूरत नहीं है, आयंस जो हैं उनसे याद रखो। आयन दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है कैटायन, एक कहलाता है एनायन। कैटायन किसे बोलते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन किसे बोलते हैं? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करे वो है कैथोड, एनायन जिस ट्रेवल की तरफ एनायन जिस की तरफ चले वो है एनोड। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पर नेगेटिव है तो इस पर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं
कि वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, सोर्स के इलेक्ट्रिक सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एनोड। गॉट इट? अब जैसे अपन बात करें तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कैथोड एंड दैट इज एनोड। ओके, चलो बुक का डायग्राम बना लो। बुक का डायग्राम को थोड़ा सा अगर अपन कंसिडर करें तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस मैं कर रहा हूँ ताकि आप जब बुक में देखें तो आपको डिफरेंट ना लगे। मैं इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको बना रहा हूँ कैथोड और इसको बना रहा हूँ दैट इज एनोड। ओके, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बुक में जब आप देखें तो आपको थोड़ा सिमिलर लगे, बस यही मैंने किया है यहाँ पर। ओके, जब यहाँ पर वैक्यूम पंप स्टार्ट करके वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, वैक्यूम अपन ने क्रिएट कर दिया, उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो कराई जाती है, तो उस कंडीशन में या लो प्रेशर, ये भी ध्यान रखना है, वेरी लो प्रेशर पर चार्ज ट्यूब में, तब यहाँ पर अपने को कैथोड से एक स्ट्रीम जाती हुई दिखाई देती है। क्या दिखती है? एक स्ट्रीम अपने को जाती हुई दिखाई देती है। देन वी सी ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। क्या रहती है? एक स्ट्रीम अपने को दिखाई देती है किधर से किधर जाते हुए, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए। इन्हें कहा जाता है, इसको नाम दिया गया था, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। क्या नाम दिया गया इन्हें? दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। गॉट इट? क्लियर? इसको फर्दर चेक करने के लिए जब एनोड को परफोर्टेड कर दिया गया, यानी कि छेद किया गया, और यहाँ पर पीछे की साइड में ZNS स्क्रीन या ZNS की कोटिंग की गई, तब यहाँ पर हमें ग्लो दिखाई दिया। ये ग्लो तभी आ सकता है जब यहाँ पर कोई चार्ज्ड पार्टिकल आकर स्ट्राइक करे। क्या करे? चार्ज्ड पार्टिकल स्ट्राइक करे। तो अपन बोल सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ दीज पार्टिकल कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग जिंक सल्फाइड लेयर, बिकॉज व्हेन दीज पार्टिकल स्ट्राइक विद द ZNS दे क्रिएट ब्राइट स्पॉट या जिसको अपन बोल सकते हैं फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। इस तरीके से किसको फाइंड आउट किया गया था? कैथोड रेज को, जो कि एक्चुअल में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं उसके ऊपर अपन बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने को यहाँ पर बता डिस्कस करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज में अपन बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, दे स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द एनोड। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? कैथोड से, और चलते किधर हैं? एनोड की तरफ हमेशा। व्हाट इट? स्टार्ट किधर से होते हैं? कैथोड, और ट्रेवल किधर चलते हैं? दे ट्रेवल टूवर्ड्स द एनोड। व्हाट इट? सेकंड, दीज पार्टिकल्स, ये जो रेज हैं ये पार्टिकल नेचर की होती हैं, यानी कि इनकी नेचर कैसी है? पार्टिकल नेचर फाइंड आउट किया गया। ये कैसी होती है? ये रेज, कैथोड रेज पार्टिकल नेचर की होती हैं। अब ये पार्टिकल नेचर की कैसे हैं ये हमें कैसे पता चला? तो उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक मिड के अंदर एक फ्रिक्शनलेस व्हील यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। तो जब ये पार्टिकल, ये जो जो कैथोड रेज हैं, जब ये यहाँ पर इसमें स्ट्राइक की तो उन्होंने इसको रोटेट करा दिया। क्या किया उन्होंने? इसको रोटेट। तो कोई पार्टिकल ही रोटेट करा सकता है। रोटेशन नेचर किस में आती है? पार्टिकल्स की। तो इन्होंने क्या किया था? मैकेनिकल इफेक्ट शो किया पार्टिकल नेचर। अब ये रोटेशन करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? दैट इज मैकेनिकल
इफेक्ट इन्होंने शो किया, यानी कि ये किस नेचर की थी, दैट आर पार्टिकल नेचर, वॉट इट क्लियर। जब यहां पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उस कंडीशन में ये सीधे ट्रेवल की, लेकिन जैसे ही यहां पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, तब ये जो फ्लोरेसेंस है जो पहले एक जैसा मिल रहा था पूरी ट्यूब पर, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हमें दिखाई देने लगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं ये रेज जो हैं, जैसे अपन बात करें, मान लो अपसेंस में जैसे ऐसे चल रही थी, यानी कि पूरी की पूरी शाइन यहाँ पर आ रही थी, लेकिन जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस किया या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो फ्लोरेसेंस यहाँ पर अपने को मिलने लगी। यानी कि ये जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनसे अफेक्ट होती हैं, क्या रहती हैं, अफेक्ट होती हैं, अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये अफेक्ट होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए, इससे ये जो अफेक्शन जो यहाँ पर अपने को मिला था, इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इसने इसके चार्ज जो नेचर है उसके बारे में बताया। जब अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया तो जो पॉजिटिव टर्मिनल जो था उसकी तरफ ये अपने को दिखाई दिया। आप अपने डेली लाइफ में भी अपन देखते हैं, जो अपन टीवी वगैरह के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा पुराना टीवी, 3L टाइप के टीवी आते हैं, तीन टाइप के अभी तक अपन कर चुके हैं, एक तो है CRT, एक है LCD और एक है LED। आज का LED चल रहा है, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिशन डिवाइसेस, डायोड। ओके, आप लोगों ने देखा होगा पुराना जो टीवी होता था, पुराना लंबा वाला, तो उसमें ऐसा सेटअप होता था, ये हमारी स्क्रीन होती थी इस तरह से, ये थी कैथोड रे गन। यहाँ पर लगे होते थे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो इन कैथोड रेज को कंट्रोल करते थे। मान लीजिए जैसे इन्होंने कंट्रोल करके यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को शाइन दिखाई दे रही है, या इस तरह कंट्रोल किया तो यहाँ पर, तो ये गन्स जो हैं ये कैथोड रे की गन को कंट्रोल करते थे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ वो एक एग्जांपल है जहाँ पर अपन इसके जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट्स हैं उनको अपन ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स जो हैं, इन पार्टिकल्स को बिहेवियर जब इनका ऑब्जर्व किया गया तो ये फ्लोरेसेंस, वो तो अपन ने बात कर लिया, फोर्थ यही है कि ये पार्टिकल जो हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, फ्लोरेसेंस यानी कि चमक क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, ये फ्लोरेसेंस या चमक क्रिएट करते हैं, क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस विच इज फील्ड हियर। द प्रॉपर्टीज जो हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये डज नॉट अफेक्टेड या डिपेंड, अफेक्ट या डिपेंड कर लेते हैं, अफेक्ट या डिपेंड ऑन मेटल जो इलेक्ट्रोड्स हैं, मैटर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के मैटर एंड गैस, यहाँ पर कौन सी गैस फील्ड है, या ये इलेक्ट्रोड्स अपन ने किसके लिए हैं उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। गॉट इट, इसका मीन्स जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी में सेम पार्टिकल्स होता है ये,
जो भी कैथोड रे जिस पार्टिकल का भी बना है वो सभी मटेरियल्स के अंदर मौजूद है। इस चीज़ से क्या क्लियर होता है कि सभी पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर सेम जो पार्टिकल्स हैं जो कैथोड रे में भी मौजूद हैं वो प्रेजेंट होते हैं। थॉमसन जो हैं जो थॉमसन हैं इन्होंने इन पार्टिकल को स्टडी किया और बाद में इन्हें कहा कि ये दीज पार्टिकल्स यानी कि जो कैथोड रे इट कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको बाद में स्टैनले ने जिनको नाम क्या दिया था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इनको क्या नाम देते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को की डिस्कवरी की गई थी। ये था माइकल फैराडे का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैं रिपीट वापस से कर देता हूँ फटाफट प्रॉपर्टीज़ को जिनकी बेसिस पर बाद में इनको क्या नाम दिया गया था। ये क्या क्लियर हो गया कि ये पार्टिकल्स किस नेचर के होते हैं? नेगेटिव नेचर के, जिनको बाद में नाम क्या दिया गया था? इलेक्ट्रॉन्स। पहली प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये कैथोड से ट्रैवल किधर करते हैं? एनोड की तरफ। सेकंड, ये किस नेचर के होते हैं? पार्टिकल्स नेचर के। नेचर वाइज कैसे हैं ये? पार्टिकल्स नेचर के होते हैं बिकॉज दे शो मैकेनिकल इफेक्ट। जब भी इनमें जो व्हील वगैरह कुछ भी यहाँ पे प्लेस किया जाए तो ये उसको रोटेट कर देते हैं। ओके, थर्ड, ये किससे अफेक्ट होते हैं? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया जाए तो उससे अफेक्ट होते हैं। मीन्स ये चार्ज पार्टिकल हैं। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होना किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये चार्ज पार्टिकल हैं। ओके, जब ये स्ट्राइक करते हैं, जब ये सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं? फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। ये दोनों चीज़ अपन टीवी जो सीआरटी ट्यूब्स हैं उसमें अपन देखते हैं। ये जो मैटर है इलेक्ट्रोड्स का या इसमें जो गैस फील्ड है उस पर इनको डिपेंड नहीं करते। यानी कि कोई भी मेटल ले लो, कोई किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लीजिए या कोई भी गैस फील्ड कर लीजिए, सेम प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है। इसका मीन्स क्या है? जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी में ये सेम पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। फिर थॉमसन ने इनको स्टडी किया और उन्होंने स्टडी करने के बाद क्या बताया कि जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये होते हैं। चार्ज के बारे में इनको उन्होंने थोड़ा सा अपना आगे अपन पढ़ेंगे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने चार्ज फाइंड आउट किया था इन पर, डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज। थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट है वैसे तो फाइंड एक्चुअल में तो किया था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है जो वैल्यू है वो तो फाइंड की थी मुलिकन ने, लेकिन इनके लिए जो चार्ज मास का जो रेशियो है वो फाइंड आउट किया था थॉमसन ने। जो अपन आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा चार्ज मास रेशियो वो थॉमसन ने फाइंड आउट किया था। तो उसमें उन्होंने बता दिया था किन जो चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, दैट इज नेगेटिव। बट इट फिर बाद में स्टैनले ने इनको क्या नाम दिया था, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेसिक जो रिसर्च है वो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई थी। बट इट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज चार्ज मास रेशियो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।